दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले माय फोटोग्राफी चैनल को और बेल आइकन को दबाओ लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं माय फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों फोटोग्राफी एक्सपोजर के तीन पिलर रहते हैं, मतलब तीन स्तंभ रहते हैं, एपर्चर, शटर स्पीड और ISO। हमने पिछले वीडियो में अपर्चर और शटर स्पीड के बारे में देख लिया था। इस वीडियो में हम फोटोग्राफी एक्सपोजर का जो तीसरा पिलर है ISO, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों ISO कैमरे का ISO मतलब उस डिजिटल कैमरे में सेंसर जो रहता है वो प्रकाश के प्रति, मतलब लाइट के प्रति कितना सेंसिटिव है ये दर्शाता है। ISO अगर हम बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे तो उससे हमारी फोटो ब्राइट होगी या डार्क होगी, ये उससे तय होता है। पुराने ज़माने में हमने देखा होगा कि जो फिल्म के रोल मिलते थे उसमें लिखा रहता था, एक संख्या रहती थी, वो उस फिल्म रोल का ISO रहता था। 100, 200, 400, 800, इस तरह के कुछ अंक रहते थे। इसी फिल्म रोल का जो गुण है, मतलब इस फिल्म में जो ISO का जो काम रहता था, वही काम आज के ज़माने में डिजिटल कैमरे में सेंसर करने लगा है। सेंसर ये इस तरह के डिजिटल कैमरे में सबसे पिछले वाले हिस्से में रहता है। जब हम डिजिटल कैमरे से फोटो खींचते हैं तो जो लाइट इस कैमरे में आती है तो वो लेंस के थ्रू सबसे पीछे वाले हिस्से का जो सेंसर है उसमें भेजी जाती है। कैमरे का ISO मतलब उस सेंसर की लाइट के प्रति वो कितना सेंसिटिव है, तो उस हिसाब से वो फोटो हमारी डार्क आएगी या ब्राइट आएगी वो सेंसर तय करता है। ISO जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसमें आने वाली जो कैमरे में जो आने वाली लाइट है वो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करने लगेगी, और जैसे ISO हम कम करेंगे तो लाइट कम आने लगेगी, मतलब उसका सेंसिटिविटी कम होती रहेगी। हर कैमरे का एक निर्धारित अंक रहता है ISO का। कुछ कैमरे में 50, 100, 200 से लेके 3000 तक सीमित रहते हैं, लेकिन आज के डिजिटल कैमरे में वो ISO 4000, 8000, 20, 25, 1 लाख तक ISO आजकल के कैमरे में बढ़ाए गए हैं। उस डिजिटल कैमरे का जितना ISO का जो अंक है वो जितना ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब जितना ज़्यादा रहेगा, उस कैमरे की स्पेशलिटी रहती है। ज़्यादा ISO वाला अगर वो कैमरा रहेगा उस हिसाब से उसकी कीमत तय होती है। जब हम फोटो खींचते हैं तो ये शटर स्पीड और एपर्चर पे ये डिसाइड नहीं होता कि फोटो ब्राइट आएगी या डार्क आएगी। उसमें से तीसरा जो पिलर है ISO, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि हमारी फोटो डार्क आएगी या ब्राइट। तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हमारी ज़रूरत के हिसाब से ही हमें अपना ISO बढ़ाना चाहिए या फिर घटाना चाहिए। चलो फिर हम आपको दिखा देते हैं कि कैमरे का ISO किस तरह से वो बढ़ता है घटता है। तो दोस्तों अभी मेरे पास कैनन का 6D Mark II कैमरा है, और यहाँ पे मैंने हमारे जो सॉफ्ट बॉक्स है उसका मैंने पावर आधा कर दिया है, दोनों के लेफ्ट और राइट के जो सॉफ्ट बॉक्स है उनने पूरा आधा पावर रख दिया दोनों का। अभी मैं 6D कैमरा है मेरे पास, और मैं अभी जो हमारा शटर स्पीड है 1 सेकंड का 125 जो हिस्सा है 125 उस पे सेट किया है, और ये स्टॉक मैंने 6.3 पे लिया है जो मैं रेगुलर यूज करता हूँ अपने स्टूडियो में। और यहाँ पे मैंने सबसे कम ISO रखा है 100 पे, तो 100 पे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों अभी मैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने 125 वाला ये लिया था शटर स्पीड, और ये स्टॉक 6.3 का और 100 का ISO, तो उस तरह की ये फोटो आई है। चलो अभी हम क्या करते हैं कि इसका ISO हम अभी बढ़ा देते हैं। ISO बढ़ा के हम कर देते हैं इसका 200। अभी हमने ISO 200 किया है, एपर्चर और शटर स्पीड का वैल्यू सेम रखा है हमने। तो इसमें थोड़ा सा लाइट एब्जॉर्ब हुई है,
इसमें थोड़ा सा हम और ISO बढ़ा देते हैं, हम डायरेक्टली इस पे 800 का ISO देखते हैं, ताकि एपर्चर शटर स्पीड सेम रखा है मैंने। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 125 का शटर स्पीड, 6.3 का एपर्चर रखा था और ISO 800। तो आप देख सकते हैं कि फोटो बहुत ही, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत ही ब्राइट आ गई है। तो इतनी ज़रूरत नहीं है फिलहाल हमें। यहाँ पे हम और थोड़ा ISO बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हमने ISO रख दिया है 4000 पे। तो यहाँ पे हमारा एक्सपोजर पूरा का पूरा ये हो गया, व्हाइट हो गया है, इतनी भी कोई जरूरत नहीं है। तो हमें पहले ये डिसाइड करना होगा कि हमारा, हमने जो एपर्चर रखा है, जो शटर स्पीड रखा है, वो कौन सी कंडीशन में, और अभी उसका ISO कितना बढ़ाना चाहिए। तो उस हिसाब से ही वो हमें ISO बढ़ाना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा फोटो टोटली वेस्ट जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना फोटोग्राफी एक्सपोजर में ISO का कितना महत्व है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ प्रश्न रहेंगे या फिर कुछ समझ में नहीं आया, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके शटर स्पीड एपर्चर की जो वीडियो है, आप एक बार फिर से देख लो, और साथ में ये भी वीडियो आप देख लो। इन तीनों वीडियो में आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर इसके अलावा भी आपके कुछ प्रश्न रहेंगे तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब हम आने वाले संडे के वीडियो में जरूर देंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।